हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। ये आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट्स का नया पार्ट है, जिसमें मैं आपके लिए इडियम और फ्रेजेस लेके आया हूँ जो इंग्लिश में मैक्सिमम वेटेज कवर कर रहा है। इससे पहले मैंने आपको सिनोनिम एंटोनिम्स का भी पार्ट दिया था, तो इसी तरह से आपको मैं पार्ट देता रहूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आए हैं और मुझे पता है कि एग्जाम में ये सब टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको जितने भी प्रीवियसली अच्छे अच्छे इडियम और फ्रेजेस एग्जाम में आ चुके हैं उनमें से ही रिलेटेड मैंने कुछ पिक किए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया लिमिटेड के लिए, एक्सपेक्टेड हो सकता है इनमें से क्वेश्चंस। तो प्लीज अच्छे से देखिए और रिकॉल करके रखिए ताकि एग्जाम में आप कर सके। एग्जाम तक आपको ध्यान देना है कि इडियम और फ्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है सिनोनिम एंटोनिम्स के साथ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ। तो आज ये इडियम्स एंड फ्रेसेस का पार्ट है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है कि इडियम और फ्रेसेस बीच में छुपा रहेगा और एक सेंटेंस दिया रहता है। मैंने डायरेक्ट इडियम फ्रेसेस भी रखे हैं, आपको देखने को मिलेगा। द ट्रेन वॉज लेट And we had to kick our heels. तो ये kick our heels आपका idiom और phrases है। तो ये क्या होगा? The train was late and we had to kick our heels का पहला option है run fast, wait eagerly, waste time या फिर play some games. तो waste time, हमें time अपना waste करना पड़ रहा है, मतलब kick our heels, ठीक है? जब हमारा time waste होने लगता है तो हम क्या करते हैं, मतलब गुस्सा हो जाते हैं थोड़ा, या फिर kick our heels, इसी से related है मतलब ये idiom और phrases, आपको ध्यान रखना है। फटाफट हम सारे idiom और phrases पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका क्योंकि सबका एग्जाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, he fell ill at ease after receiving the letter from his son. ठीक है, he fell ill, ये आपके idiom और phrases है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है disturb, सेकंड इज relieved, थर्ड इज embraced एंड द फोर्थ इज sick. तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, embraced. ठीक है, ये ill पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बीमार हो गया, वो ill हो गया After receiving the letter, मतलब letter में कुछ ऐसा होगा जिसके कारण वो embraced हो गया था, मतलब दुखी हो गया था। Next question, question number 3, you must not mince matter, tell the truth. ये जो है आपका mince matter, tell the truth, ये आपका idiom और phrases बनता है इसमें। तो cut short, keep secret, tell with frankness, not to tell the whole truth. तो इसका सही answer बनता है option number B, keep secret. You must not mince matter. Mince matter का मतलब होता है keep secret. कोई चीज का secret रखना, पूरी तरीके से वो बात को नहीं बताना। Next question, question number 4. She was received by her friends with open arms. तो इसमें आपके idiom और phrases बनता है open arms. ठीक है? तो इसका correct answer क्या होगा? देखिए, indifferently, warmly, casually या coldly. तो किसी को भी हम receive करने जाते हैं तो हम बहुत warm welcome करते हैं, उसका तो correct answer होगा option number B. Question number 4 का correct answer है option number B. Question number 5, the party stalwart have advised the president to take it lying down for a while. तो इसका idiom और phrases यहाँ से बनता है आपका lying down a while. ठीक है, तो पहला option है to show no reaction, to take rest, to be on the defensive, to be cautious. तो आपका rest तो वो नहीं ले रहा होगा, तो यहाँ पे सही idiom और phrases बनता है to show no reaction, कोई reaction show ना करना. ठीक है, next question, question number 6. No caring for the family, the vendor wanted to gather roses only. ठीक है, तो ये आपका idiom और phrases यहाँ पे बनता है to gather roses only. कोई care नहीं था उसको family के लिए, the vendor सिर्फ wanted to gather roses only. ठीक है, तो इसका correct क्या बनेगा आपका meaning? Wanted to paint a rosy picture? नहीं. Wanted to start business of roses? नहीं. Wanted to make safe investment? नहीं. Wanted to seek all the enjoyments of life. ठीक है, वो खाली अपने life को enjoy करना चाहता था और family की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, ऐसा बोलने का मतलब. Question, question number 7, with regard to licensing policy, it is advisable for every state to cut corners. यहाँ पे cut corners आपका idiom और phrases है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, पहला option है आपका become lenient, amend the existing rule, exercise strict control, simplify the procedure. तो control cut corners का मतलब होता है simplify the procedure, कोई procedure को simple कर देना. ठीक है, do not add fuel to the fire. ये जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं आग में घी डालना, उसी का English. पहला ऑप्शन है क्रिएट प्रॉब्लम, सेकंड इज हैरेस, थर्ड इज एग्रेवेट ट्रबल एंड द फोर्थ इज कम डाउन. तो क्रिएट प्रॉब्लम, हम क्रिएट प्रॉब्लम तो नहीं होता आग में घी डालना, हैरेसमेंट भी करना नहीं होता, कम डाउन तो करते ही नहीं हम, और एग्रेवेट ट्रबल मतलब ट्रबल को और बढ़ाना, घी में और आग डालना, सॉरी आग में और घी डालना, सॉरी. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कमल वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाई हिज फ्रेंड्स वेन ही लॉस्ट हिज मनी. हाई एंड ड्राई, यहाँ पे आपका idiom और phrases बनता है. तो लेफ्ट हाई एंड ड्राई का मतलब क्या होगा? आइसोलेटेड, ठीक है, अलग कर देना, रिजेक्ट कर देना, वुंडेड कर देना,
या फिर डिप्रेस कर देना, तो आइसोलेटेड नहीं होगा आपका, वुंडेड भी नहीं होगा, और डिप्रेस करना तो होगा ही नहीं, कोई कॉन्टेक्स में मिल नहीं रहा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिजेक्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हिज हार्ड अर्न मनी हैज गॉन डाउन द ड्रेन। ठीक है, तो उसका बहुत मेहनत की कमाई जो था वो डाउन द ड्रेन, मतलब सब ड्रेन में चला गया। तो ड्रेन में कोई चीज चला जाने का मतलब क्या होता है, हैज बीन वेस्टेड, हैज बीन स्पेंट, हैज बीन कलेक्टेड, या हैज बीन लूटेड। तो ये तो तीनों ही गलत लग रहा है, स्पेंट करने से ड्रेन में थोड़े जाएगा, उससे तो आपको अच्छा सामान लेंगे, कलेक्टेड भी नहीं होगा, और लूटेड, कोई लूटेगा थोड़े आपका मनी तो वो ड्रेन में जाएगा। हैज बीन वेस्टेड, अगर मनी को वेस्ट कर रहे हैं तभी उसको बोला जाता है कि सब ड्रेन में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ यू रब हिम द रॉन्ग वे ही इज बॉर्न टू रिएक्ट। अगर किसी को रब करेंगे हम गलत तरीके से तो उसे क्या करेंगे हम, तो पहला ऑप्शन है एनोय, सेकंड इज एब्यूज, थर्ड इज फ्लेटर, फोर्थ इज इनकरेज हिम। तो फ्लेटर करना मतलब ये भी पॉजिटिव वर्ड है, एनकरेज करना पॉजिटिव वर्ड है, एब्यूज करना मतलब गाली देना ये तो नहीं है। नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एनोय करना मतलब उसे परेशान करना। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे ऑप्शन भी इलिमिनेट हो रहा है, तो इस तरीके से भी आप दिमाग लगा सकते। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, इन स्पाइट ऑफ हर सीवियर एक्सीडेंट शी टुक हार्ट एंड मूव टू फॉरवर्ड। तो टुक हार्ट, यहाँ पे आपके idiom phrases बनता है, पहला ऑप्शन है gathered courage, felt depressed, overcome problems, acted promptly। आप सेंटेंस को भी पढ़ेंगे तो एक आइडिया आपको लग जाएगा, इन स्पाइट ऑफ हर सीवियर एक्सीडेंट सी टुक हार्ट एंड मूव फॉरवर्ड, मतलब उसने करेज दिखाया होगा और आगे बढ़ा एक्सीडेंट के बाद भी, तो पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा, दैट इज gathered courage, ही gathered courage। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, trying to find my lost ring in the college is like looking for a needle in the haystack। मतलब एक needle को खोजना बहुत ही ऐसे जगह में जहाँ पे बहुत ही चीज कुछ बिखरा हुआ हो, तो doing something impossible, making a deal of large thing, doing something secretly, या doing something unimportant। तो ये कोई भी एक needle को बहुत ही अगर भीड़ भाड़ या बहुत ही मतलब फैला हुआ जगह में खोजने से, मतलब वहां पे बहुत ही सामान बिखरा हुआ है, तो वो क्या है हमारे लिए एक इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि नीडल कितना छोटा ही होता है। तो इस तरीके से आप ध्यान लगा सकते हैं और दिमाग में रख सकते हैं इसे, कि ड्रिंग समथिंग इम्पॉसिबल इसका idiom का मीनिंग बनता है। नेक्स्ट होता है आपका लेफ्ट आउट इन कोल्ड। लेफ्ट आउट इन कोल्ड का मतलब होता है टू बी इग्नोर्ड, टू बी क्रिटिसाइज, टू स्टैंड आउट, टू बी इंडिसिव। ठीक है, तो 14 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14, टू बी इग्नोर्ड। लेफ्ट आउट इन कोल्ड का मतलब होता है टू बी इग्नोर्ड। अब देखिए मैंने डायरेक्ट idiom phrases रखा है, पहले सेंटेंस में था और कुछ डायरेक्ट भी रखे, तो आपको ध्यान देना है idiom और phrases में ही आपको मीनिंग पता करना है। सेंटेंस में रहेगा तो ज्यादा आसान हो जाता है, डायरेक्ट रहेगा तो थोड़ा टिपिकल होता है पकड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको याद करना है सबको, अप इन आर्म्स का मतलब क्या होता है, टू बी एंग्री, टू बी रूड, या टू बी नर्वस, या टू बी डिफेंसिव। तो अप इन आर्म्स का मतलब होता है गुस्सा हो जाना, मतलब टू बी एंग्री। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट idiom phrases का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, make a beeline for, make a beeline for का मतलब होता है make a line for honey, to go straight, stand in a quick, go for freewise। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा गो स्ट्रेट। गो स्ट्रेट को हम लोग बोलते हैं make a beeline for, एक लाइन में, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल द काउ कम होम, ये भी एक idiom phrases है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। फॉर ए लार्ज part for a long long time in the evening till the work is finished। ठीक है, तो till the cow come home, तो cow को आपको पता ही होगा कि जाते हैं तो बहुत पूरा मतलब घूम घूम के आते हैं, ग्रास व्रास खाएंगे, कहीं आराम करेंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, तो फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब क्या, क्लॉक से मतलब वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, क्लॉक से भी जल्दी आप काम कर रहे हैं, मतलब क्लॉक को भी मात दे रहे हैं। तो वर्क लेट इन द नाइट, वर्क अगेंस्ट द ऑल प्रॉब्लम्स, वर्क इन ग्रेट हरी, वर्क विद कॉन्सेंट्रेशन। तो आप बहुत जल्दी कोई काम को कर रहे हैं, मतलब वर्क इन ग्रेट हरी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ऑफ एंड ऑन आई टेक ए ब्रेक फ्रॉम माई हेक्टिक शेड्यूल टू रिफ्रेश माई सेल्फ। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होगा, रेयरली, सेल्डम, इमीडिएटली, पीरियडिकली। तो इसका करेक्ट आंसर सुनने से ही पता चल रहा है कि पीरियडिकली होगा। पीरियडिकली क्यों, क्योंकि एक बार ऑफ बोल रहा है, एक बार ऑन बोल रहा है, तो पीरियडिकली चेंज आ रहा है कोई चीज पे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा पीरियडिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, हैंडल विथ किड ग्लोव्स टू शो समवन योर क्रिएटिविटी, टू अकॉम्प्लिश समथिंग, टू एम्बिशियस, टू रिमूव ऑल हर्डल्स, टू स्टार्ट समथिंग, टू ट्रीट समवन विथ एक्सट्रीम केयर। हैंडल विथ किड ग्लोव्स मतलब कि बहुत आराम से कोई चीज को हैंडल करना, टू ट्रीट सम
समवन विद एक्सट्रीम केयर, बहुत ही केयर के साथ किसी को ट्रीट करना, ठीक है। तो आज का ये बेस्ट ईडियम और फ्रेसेस था। इससे पहले मैंने आपको सेनोनिम एंटोनिम्स के पार्ट दिए, जिन्होंने भी जाके नहीं देखा जाके देखिए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया, क्योंकि यही आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन है। आपका जो भी नीड होता है या जो भी प्रॉब्लम होता है, मैं उसे फुलफिल करने की कोशिश करता हूँ। तो आपकी तरफ से बस इतना ही चाहता हूँ कि आप चैनल को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि सब कोई हम लोग अपने गोल तक आगे पहुंच सके। और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ताकि मैं आपका प्रॉब्लम और ज्यादा सॉल्व कर सकूं। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं अगले क्लास में। और कोई भी वीडियो का अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे ऑयल इंडिया के वीडियो का लिंक दे दिया है, कंप्यूटर से लेके जीके ओके जितना भी है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से उसे देख सकते हैं। एग्जाम से पहले जाके सारे चीज को आप रिवाइज कीजिए, ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में। एंड वंस अगेन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइज।